कहाँ पे क्या आ गया है? अभी मैं साफ सफाई कर रहा था, मकड़ा ऐसे आया इसमें, ऐसे मैंने ऐसे से क्या गायब हो गया। तेरे बाल में छुप गया होगा, काट लेगा तेरे को, काट लेगा तो स्पाइडरमैन बन जाएगा। अरे जाला फेंक मत जाला, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। मम्मी अभी क्या हुआ आप ही मुझे बताओ। हनी का लॉल LOL लॉल हो गया ना। अच्छा किस बात पे हुआ वो तो बताओ। नहीं हनी समझ गया, हनी समझ गया। अरे प्यारी समझ गई। तो अभी इस बात पे लोन हो गया हनी का, पापा को फोन लगाया गया, पापा को बोला गया कि मैं बाल कटवाऊं कि नहीं कटवाऊं। तो हनी अपने मन से बोला था कि नहीं पापा नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे बोला, फोन किया तो बोला हाँ। तो इसका मुंह पे बेइज्जती हो गया, मुंह अपने सन का हो गया और लोन भी हो गया साथ साथ। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? इस बेइज्जती को क्या नाम दो? बोलो क्या नाम दो? लोन। चलो बाल कटाने चलते हैं। तो हम घर से निकल चुके हैं सनी का बाल कटवाने के लिए। हाँ ज्यादा बड़ा हो गया है। यस। कल डिफरेंट के साथ ना दो कुत्ते की और लड़ाई होगी, अब क्या करें, अब बीच में कैसे जाएंगे। हाँ जब उसकी आवाज आई ना तब हम पता चला कि डिफरेंट को कोई मार रहा है, और जब तक हम जाते तब तक ना वो दो कुत्ता ना भाग भी गया था। अभी उसकी थोड़ी हालात थोड़ी बिगड़ी हुई है, दो दिन से मेरे से मिलने नहीं आया और दिखा भी नहीं है, पता नहीं किधर चला गया। भैया थोड़ा गर्म पानी रखा करिए, ठंडा पानी था वो। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब जाके मम्मी को दिखा दे किसी का बाल कैसा कटा है। मम्मी देखो, सही बताना मम्मी, देखो तो बहुत खराब लग रहा है। नहीं बहुत अच्छा, जानबूझ के हमें बड़ा ही रखा है जो क्योंकि पापा को अच्छा ही लगता है छोटा बाल। लोल फिर से तीसरी बार लोल हुआ आज का दिन। तो फाइनल मैं ऐसे रेडी हुआ हूँ नहा के एकदम ठीक है। और दीदी तेरे को ये चीज पता है, मैंने जैसे मुंह में काला दिखता ना वैसे हूँ नहीं, क्योंकि वो जो उस्तरा चला रहा था ना तो यहाँ का यहाँ छीला, मैं गोरा नजर आया यहाँ से। अलविदा 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 बोल रहा हूँ। बाय 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 मम्मी। परफेक्शन में परफेक्शन बोलते हैं, कोई डिजाइन नहीं है बट परफेक्ट। गर्मी आ गई ना, ये गर्मी आ गई है ना हनी। अब स्वेटर नहीं पहनना पड़ेगा, तो वैसे भी नहीं पहनता स्वेटर। मास्क मुझसे ज्यादा बड़ा है। कितने बार बोलेगी, पिछले व्लॉग में नहीं बोला। और सारे मास्क मेरे मुंह से ज्यादा बड़े तो मैं क्या बोलूं। तो अभी समय हो रहा है 4:30, दीदी मेरा व्लॉग देख रही है मैंने एडिट करके, और इतने दिनों बाद जाएगा मेरा व्लॉग, कम से कम 3-4 दिनों के बाद। सनी क्या लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आएगा? मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, लाइक कर रहा वीडियो को। कसम से बता रहा हूँ, मैंने DM अपने खोल के देखा इंस्टाग्राम पे, काफी लोगों ने मतलब बहुत लोगों ने जो मैं जितना मैं पढ़ पाया यही लिखा था कि व्लॉग कब आ रहा है, व्लॉग कब आ रहा है, व्लॉग कब आ रहा है। थैंक यू गाइज, आपने मतलब इतना कमेंट कर रहे हो, और व्लॉग आएगा तो आप पूरा सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, और प्लीज बताइए कैसा लगा आपको व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 6:30, दीदी पापा और सनी ये तीनों गए हैं मार्केट में, क्योंकि जैसा कि हम निकलने वाले हैं परसों बटाला पंजाब के लिए, तो उन्हें कुछ खरीदारी करनी है। तो अगला जो सीन होगा वो शूट करेगी दीदी, तो आनंद लीजिए। तो कुछ मेरे लिए कपड़े लाने थे, तो पापा दीदी के साथ मैं आया हूँ, तो आगे देखो थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हुई रहा है वर्षा। गोलगप्पे वाले भी यहाँ पे हैं, मुंह में पानी छूट रहा है। तो अभी बज रहे हैं 8, अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा था, पापा दीदी सब आ गए हैं कपड़ा लत्ता खरीद के मेरा वाला, तो अब चलते हैं रिकॉर्डिंग की ओर है। दीदी तौलिया मत टांगा कर दीदी ऐसे, तू नहाने के बाद सुबह से लेके अभी तक टंगा हुआ है। स्टिंग का तौलिया है। डिफरेंट मिला से नहीं, सुबह से गायब है वो। डिफरेंट ने डिफरेंट मिला था लेकिन डिफरेंट शिफ्ट कर गया यहाँ पर। तो अभी 8:30 बजने वाला है, दीदी वहाँ पे अपना सारा फाइल वाइल मैनेज कर रही है, जो भी SD कार्ड कैसे सिस्टम है, और ये मेरा तबला हारमोनियम। और अभी जो पहला गाना हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे मैं और दीदी, वो कोई स्पेशल गाना है जो कि आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत दिन से। दीदी कब अपलोड करेगी तू वो? कल या फिर परसों। तो आप गेस करो कि वो गाना कौन सा होने वाला है, और चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ी देर में। तो हमारा गाना रिकॉर्ड हो गया है, मेरा दीदी का जो था सीन रिकॉर्ड करने का, अब आएगा सनी इस घर में, और अब करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट रामचरितमानस का। सनी ये क्या है यार, ये क्यों हर जगह तौलिया टांग के रखा है तूने? उसको बोली कुर्ता पहन के आए मम्मी। सनी इन द हाउस, सनी आ गया, जल्दी से करते रिकॉर्डिंग स्टार्ट अपना।
सनी सो गया था क्या? तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और करते हैं अपना रामचरितमानस का रिकॉर्डिंग शुरू। इसका मेरे बिना तो वीडियो बनता ही नहीं है, बाप रे इतना इम्पोर्टेंट। तो हमारा सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, अभी बज रहे हैं 10:15 और मम्मी हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रही है आलू का, तो वो चल के देखते हैं। और दीदी का बस महाभारत रिकॉर्ड करना बाकी है तो वो कर लेगी, उसके बाद सो जाएंगे, ये तो जोक का सेशन रखेंगे। तो मम्मी कुछ बना रही है आलू का। मम्मी क्या है ये? चटपटा आलू का, मतलब हमारे घर में एक्सपेरिमेंट होता रहता है, नाम नहीं पता रहता है, कुछ भी बना देते हैं बस। तो मम्मी का बनाया हुआ आलू खाने के बाद काफी आलस आ गया बॉडी में और अभी बज रहे हैं 1:28। दीदी सबसे पहले अपना गाना वाना एडिट करती है, तो सब एडिट कर ली है, वो दीदी के चैनल पे जाके देख लीजिएगा। सनी भी सो गया इधर और अभी 1:30 बज रहे हैं, मैं भी सो जाता हूँ जल्दी से एडिट करके अपना ब्लॉग, और ये जल्दी से खत्म करते हैं आज का ब्लॉग। उसके बाद मिलते हैं सभी से अगले ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। Thank you.